सी इंटर सितंबर 24 की एग्जाम के लिए कॉस्टिंग सब्जेक्ट के कुछ ऐसे हॉट फेवरेट टॉपिक्स में आपको बताने वाला हूं, जिसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 83 प्लस मार्क्स का पेपर। सो लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एबीसी कैटेगरी वाइज बताऊंगा, जिसमें से आपको बड़े क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं वो ए कैटेगरी में जाएगा, जिसमें से आपको छोटे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं वो बी कैटेगरी में, और फिर मैंने दिया है एमसीक्यू पार्ट वाला, ठीक है। तो बाकी सब्जेक्ट के लिए भी मैंने अपलोड कर दिया होगा शायद इस वीडियो को पहले पहले, या तो हो जाएगा तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको और डिटेल में चीजें चाहिए, ये हार्ड आएगा पेपर इजी आएगा सब चीजें तुमको टेलीग्राम पे डे बिफोर एग्जाम मिल जाएगा, तो टेलीग्राम की लिंक भी आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है भैया। चलो तो ये हो गया आपका मॉड्यूल वन के लिए। मॉड्यूल वन के लिए आपका मटेरियल एम्प्लॉई ओवरहेड एंड एक्टिविटी बेस्ड, ये आपके लिए बी कैटेगरी है, यानी कि यहाँ पे आपको 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के चांसेस है। कॉस्ट शीट आपके लिए ए है, यानी कि 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिल सकता है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, भैया लास्ट का वीडियो अगर आपके पास पड़ा हो, मतलब ये यूट्यूब पे तो है और पेपर भी है, तो आप देखना, मैंने उसमें बोला था कि भैया क्या पार्ट पूछेंगे और वही पार्ट पूछा था और उसी मार्क्स के लिए, ठीक है। यहां से इस बार के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एमसीक्यू पार्ट, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए है। अब बात करते हैं मॉड्यूल टू के बारे में। मुझे पता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि भैया ये तो तुम पूरा चैप्टर बता रहे हो, हमें कुछ क्वेश्चन ही बता दो जिसमें से चीजें ही पूछी जाए। तो यस, आपके लिए रेडी है 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स, जिसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 70 मार्क्स का पेपर। ये क्वेश्चंस हमने लास्ट के 10 अटेम्प्ट्स को एनालिसिस करके न्यू पैटर्न को, न्यू सिलेबस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं, जिसमें से आप 70 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप कहोगे कि भैया लास्ट अटेम्प्ट में कैसा हुआ, लास्ट नहीं बेटा, मैं काफी अटेम्प्ट्स के रिव्यूज आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, वहां से आप क्लिक करके स्टूडेंट के मैसेजेस देखिए कि जब एग्जाम खत्म हुई तो कैसे कैसे मैसेजेस आए हुए। अराउंड एक एक अटेम्प्ट के 250, 300 रिव्यूज आपको मिल जाएंगे, उसको आप पढ़िए एंड फिर एनरोल करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार लिंक सामने था, ग्रुप का प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है, ये पूरे ग्रुप का प्राइस है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिंक भी सामने था, कास्ट क्लिक कर लिया होता और स्टूडेंट के रिव्यूज देखने के बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप जरूर से उसको एनरोल करिए, आपको इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगा विद इन 5 सेकेंड्स। जैसे ही आप एनरोल करोगे आपको एक्सेस मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट पे, जहां चाहो वहां से आप पढ़ाई कर सकते हो, उसका कोई भी इश्यू नहीं है। आप इजीली उसको एक्सेस करो एंड अपना पढ़ाई शुरू करो, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर के ऊपर, ठीक है भाव। चलिए तो सब्जेक्ट वाइज भी आप एनरोल कर सकते हो, अगर आपको पूरा ग्रुप का लेना है तो पूरा ग्रुप का जरूर से लीजिए, बट अगर आपको टेस्टिंग के लिए जाना है तो आप सब्जेक्ट वाइज भी जा सकते हो, ठीक है। चलिए भैया, आप मॉड्यूल टू के लिए भी आप ये चीजों को हाईलाइट कर लीजिएगा एक बार फटाफट से, ठीक है। तो मॉड्यूल टू के लिए आपको ये चीजें जो ए मार्क किया है फिर बी मार्क किया है, एमसीक्यू के लिए मैंने अलग से हाईलाइट किया हुआ है। बाकी डिटेल चीजें आपको टेलीग्राम पे भी मिलने वाली है, आपको डे बिफोर एग्जाम के पेपर कैसा रहेगा, उसका पैटर्न कैसा रहने के चांसेस है, ठीक है भाई। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ऑलरेडी रेडी है, ये इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, बाकी सब्जेक्ट के देख लीजिएगा। एंड यस, 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर में से आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, आप आराम से 1.5 दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हो भाई। 100 क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो इट्स वेरी इजी टू कंप्लीट इन 1 और 1.5 डेज। जरूर से अभी के अभी एनरोल करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।